Hello sir, my question is in India, many students like us are not able to study because their parents don't allow them to go to school. So what would you like to tell about these parents? Actually, हर किसी की कोई ना कोई मुश्किलात होती है, किसी की कोई problems होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो parents नहीं कर पाते. Maybe they can't send you to the school they would love to. I remember when I was growing up, और ये my mother could not afford to pay for my schooling. So many times, my school was wonderful, but कई बार मुझको school में fees ना देने की वजह से घर वापस भेजा गया है. And then उस जमाने में घर में हम चेन जो है मैट्रेसेस के नीचे रखते थे, तकियों के नीचे, गद्दों के नीचे. तो फिर हम ढूंढते थे कहाँ पे 10 पैसे मिल जाए, 20 पैसे मिल जाए. 16 रुपये फीस थी उस वक्त. सो मच लेस देन व्हाट यू पे नाउ, बट वी यूज टू मस्टर अप द मनी, बोरो. एंड व्हेन माय पेरेंट्स एक्सपायर्ड, आई रियलाइज्ड दैट दे ओड लॉट ऑफ मनी टू लॉट ऑफ पीपल, बट दे मेड श्योर दैट आई डिड माई मास्टर्स और नियरली फिनिश्ड माई मास्टर्स. सो पेरेंट्स की अपनी अपनी तकलीफें होती हैं जिसकी वजह से हो सकता है वो आपको वो सब नहीं दे पाते जो देना चाहते हैं, उनके दिल में होता है. बट टू दोज हु थिंक एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, विच आई थिंक देयर इज हार्डली एनी पेरेंट, आई डोंट थिंक कोई ऐसा पेरेंट नहीं है जो सोचता है पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है. इफ देयर इज वन और हाफ अ पेरेंट समवेयर इन द वर्ल्ड, आई जस्ट लाइक टू टेल देम, आई थिंक बच्चों के लिए पढ़ाई से ज्यादा स्कूलिंग से, किस किस्म का भी स्कूल हो, कोई भी चीज ज्यादा अहमियत नहीं रखती. देयर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन गुड एजुकेशन, एंड इफ यू कैन डू इट इन स्कूल, do it at home, and I'm sure your parents can teach you a lot by their experience. So I wish all families the best. I wish that all families have enough resources to educate their children the best.